हम एजीजी ट्रस्ट की तरफ से निदेशना ग्वाली मैम से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट आपको पहले आपके सत्कार कर रहे हैं मैम, जोरदार तालियों से मैम का स्वागत करें। मैम बहुत अच्छा काम कर रही है और वो हम सभी के लिए एक एक इंस्पिरेशन है। जी हम मैम इट इज टोकन ऑफ लव एंड अप्रिसिएशन टू यू एंड वी आर सो ब्लेस्ड एंड सो ऑनर्ड दैट यू हैव ग्रेस द ओकेजन। आप यहाँ पर आए और हम समझते हैं आप बहुत बिजी हैं। कुछ अवार्ड्स आप अभी दे दें। अच्छा एक आप दे दें, आप शुभारंभ कर दें। आइए ओवर टू मी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा आपने हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत जरूरी था। अगर आप नहीं आती तो यहाँ पर बहुत सारे जो हम ओके चलिए शुरुआत करते हैं। मैम ने इशारा दे दिया, आगे बढ़िए। वेल हम इस अब बुलाना चाहेंगे एंड वी वुड लाइक टू ऑनर द नेक्स्ट अवॉर्डी आयशा अंसारी। आई रिक्वेस्ट हर टू प्लीज कम अप ऑन स्टेज एंड शी इज हियर फॉर स्प्रेडिंग अवेयरनेस फॉर वुमेन एम्पावरमेंट एंड शी इज फ्रॉम महाराष्ट्र। कंग्रेचुलेशंस फॉर बीइंग द ट्रू इंस्पिरेशन। After that, I would also request the next awardee to be honored is Ananya Paul. If she can be ready, Ananya Paul. She's a woman in social development and she's from Karnataka. Congratulations to you. Well, next, it's time to honor the next one. Giving up and, of course, calling out for Anita Bimal. Woman in tourism. And she's from Delhi. Congratulations to you. Request the third one to kindly, she's not there. Okay. So then moving on to the next one, Anupama Rag. I request her to please come up on stage and she's the one who is in entertainment. She's the one who's empowering entertainment. And she's from UP. Congratulations to you. Okay, the next one is Aparna Pujari. If she's here to please come up on stage. She's a woman in supporting environment. And congratulations. She's from Karnataka, the beautiful land of Karnataka. Also calling for Shipra Dhir, Varanasi, to please come up on stage. And the next one is Joy B. Sim from Manipur. Please excuse me if I pronounced your name wrong. This is Joy B. Congratulations to you too. From Manipur. Heartiest congratulations to all the ones who are actually getting felicitated here, honored here. Let me tell you, you guys are making a lot of difference, inspiring, motivating us, and please do the same. Shine bright, shine for the future, because the future is in your hand. Bahut bahut dhanyawad. Thank you, ma'am. मैम अगर मुझे डांटेंगी नहीं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी मैम। माइक पे बोल रही हूँ, डांटूंगी नहीं, मतलब मैं डांटती हूँ। निदर्शना जी, आप निदर्शना जी दीजिए। मैं
एक मिनट Congratulations. And the next one is, to be honored, is Joybee. One more is, oh, she's already here. She was waiting for you, ma'am. मुझे पता अब तो मुझे डांट जरूर पड़ने वाली है आपसे. बस अब तो पड़ने वाली है. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच मैम. अगर दो शब्द कह सके. माफी के साथ और सबका बहुत बहुत धन्यवाद. आदरणीय निदर्शना जी, सुरेश भाई जी, अर्जुन मेघवाल जी, त्यागी जी, शालिनी, एम्बेसी ऑफ मॉरिशस के रिप्रेजेंटेटिव, नेपाल से हमारी सांसद बहन, उपस्थित सभी मेरे भाई बहन, भारत सरकार में हमारी सेक्रेटरीज, एडिशनल सेक्रेटरीज, मल्लुक जी, मीना जी, सबका नाम लूंगी तो बहुत लंबी लिस्ट है. तो सम्मानित सभी मेरे भाई बहन जो यहाँ उपस्थित हैं, और सबसे ज्यादा जो प्रसन्नता का विषय हुई ये है कि कमला पावर विमेन अवार्ड्स ने कुछ ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए बहुत अधिक काम किया है, उनको सबके सामने लाने का काम किया. अभी छोटे से इंटरेक्शन में जिन महिलाओं से मेरी बात हुई, आपको सुनकर अच्छा लगेगा कि इसमें कुछ महिलाएं हैं जो डॉक्टर थीं, और उनके यहाँ पर अगर किसी भी प्रेग्नेंट महिला जो है, अगर वो किसी बेटी को जन्म देती है तो उसमें डिलीवरी चार्जेस उनका अस्पताल नहीं लेता है. आप बताइए इससे बड़ा इंकरेजमेंट का काम क्या हो सकता है. और वो भी जो प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है बनारस, वहां पर वो इस प्रकार का कार्यक्रम चला रही हैं. एक और बच्ची मिली. हम सब जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में एनीमिया जो है एक बहुत बड़ी परेशानी है. तो एनीमिया मुक्त मणिपुर और एनीमिया मुक्त नॉर्थ ईस्ट के लिए वो लगातार काम कर रही हैं. और वो दुर्गम क्षेत्र जो पहले हम लोगों से कहीं ना कहीं अपने आप को कटा महसूस करता था, आज पूरा भारत का हृदय जो है वो भारत के पूर्वोत्तर में बसता है, और हम सब अपने आप को पूर्ण रूप से उनसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, और पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है भारत के हृदय से जुड़ा हुआ महसूस करता है. ये बदलाव लाने के लिए जो महिला शक्ति वहां काम कर रही है और इतने दुर्गम स्थानों पर काम कर रही है, तो उसको इस ट्रस्ट ने ढूंढ कर निकाल कर आज दिल्ली में मंच दिया. मुझे लगता है कि उनके लिए, सबके लिए ताली बजनी चाहिए. और मेरा ऐसा मानना है कि प्रधानमंत्री जी ने नैरेटिव बदला है. जो नैरेटिव हमेशा विमेन एम्पावरमेंट का होता था कि महिला को सशक्त करना है, सशक्त करना है का मतलब वो निशक्त है. सशक्त तो तब करेंगे ना जब वो निशक्त है. तो पहले तो महिला को आपने पहली सेंटेंस में, पहले शब्द में ही निशक्त करार दे दिया, और प्रधानमंत्री जी ने इस नैरेटिव को बदल कर कहा कि महिला सशक्तिकरण से हटकर हम विमेन लेड डेवलपमेंट, कि महिला नेतृत्व करेंगी और विकास देश का हो, समाज का विकास हो, तो महिलाओं की जो नेतृत्व क्षमता है उसको पहचान देने का काम, और उसी पहचान देने के काम में जो आह्वान था उस आह्वान को आगे बढ़ाने का काम इस ट्रस्ट ने किया. और खास तौर पे निदर्शना जी को मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, सभी ऑर्गेनाइजर्स को. कई बार मेरा ऐसा मानना है कि जो यहाँ पुरुष भी उपस्थित है, पुरुषों का साथ भी बहुत आवश्यक है, और जितनी महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, जो भी उन्होंने जीवन में पाया और पोजीशन ऑफ पावर एंजॉय की, वो मेरी बात से सहमत होंगी कि महिला पुरुष उस रथ के दो पहिए हैं जिनको बराबर चलना होता है. एक पीछे एक आगे चलेगा तो रथ ही पीछे रह जाएगा. और दूसरी चीज, कोई भी महिला जो जीवन में पुरुष है, चाहे वो
पिता के रूप में, चाहे वो पति के रूप में, चाहे वो भाई के रूप में, चाहे वो बेटे के रूप में, मित्र के रूप में, समाज के रूप में साथ ना दे तो महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती। तो हर, जैसे कहते हैं, हर सक्सेसफुल पुरुष के पीछे कुछ ना कुछ महिलाओं का साथ रहता है, माँ का, पत्नी का, बहन का, बेटी का। उसी तरीके से जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो पुरुषों का भी जीवन में बहुत बड़ा सहयोग होता है। अगर घर में पिता जो है वो पढ़ने ना दें तो क्या महिला बड़े होकर क्या करेगी? और शादी के बाद अगर पति काम ना करने दें तो कैसे आप आगे बढ़ोगे? आपके बच्चे 24 घंटा आपकी जान खाएं और काम घर से बाहर ना निकलने दें तो आप क्या कर सकते हो? तो मुझे लगता है कि समाज में ही फॉर शी, जो पुरुष वर्ग महिलाओं के शोषक नहीं होकर सहयोगी का जो कार्य है वो अदा करते हैं, उन सबको भी महिला दिवस पर सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब पुरुष शोषक नहीं है, बहुत सारे पुरुष सहयोगी हैं, और उन सहयोगी पुरुषों को हमें सेलिब्रेट करना है ताकि अधिक से अधिक वर्ग, पुरुष वर्ग उनसे प्रेरणा लेके अपने तौर तरीके बदले और सभ्य पुरुषों की गिनती में आने लगे। तो मैं जो असभ्य है उनको भी गिनती से बाहर नहीं छोड़ रही हूँ। नहीं, सभी 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 जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर अगर महिलाओं के प्रति उनके मन में सम्मान की भावना नहीं होती तो इस कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं होती। बड़ा आसान था कहना कि भाई महिलाओं का कार्यक्रम है, हम नहीं आएंगे, लेकिन उन्होंने, और मैं खास तौर पे उन सभी अपने भाइयों को हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ जो आज के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और महिलाओं के इस उत्सव को जोर शोर से मचाकर दिल्ली के एक मंच पर देशभर से आई हुई महिलाओं को मान सम्मान देने का, हौसला बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनके प्रति भी आभार। क्योंकि भले व्यक्ति कोई भी हो, चाहे पुरुष या महिला, मुझे ऐसा मानना है कि भले लोग भलाई का कार्य करते हैं इसलिए नहीं कि उनको बदले में कुछ चाहिए होता है, वो भलाई का कार्य इसलिए करते क्योंकि वो उसी मिट्टी के बने हैं और भलाई के अलावा वो दूसरा कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जब भले व्यक्तियों को हम थपथपाने का, पीठ थपथपाने का या धन्यवाद देने का, आभार व्यक्त करने का कार्य समाज करता है तो उनके लिए मोटिवेशन होती है और उस बड़े हृदय के साथ सबको समाहित करने की क्षमता बढ़े और वो भले लोग, महिला या पुरुष, समाज में बदलाव का, भलाई का कार्य करते रहें। इसलिए मैं इस ट्रस्ट का आभार एक बार और व्यक्त करना चाहती हूँ कि इन्होंने ऐसे चुन चुन कर जो व्यक्ति है, व्यक्तित्व है, उन महिलाओं को सामने लाकर देश के खड़ा किया और हम सबके लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया। मेरा आग्रह एक और रहेगा कि जितनी महिलाओं को आप अवार्ड्स दे रहे हैं उनके कार्य के विषय में अगर आप एक एक पैराग्राफ निकाल कर कोई मोनोग्राम, किताब या ऑनलाइन या कुछ भी निकालेंगे तो उससे बाकी समाज को भी प्रेरणा मिलेगी उस तरीके के कार्य क्षेत्र में करने की। कहने को बहुत कुछ है लेकिन मेरे को ऑलरेडी देर हो चुकी है, मेघवाल जी को भी पता है, दो कार्यक्रम निपटा के तीसरे में इनके साथ एक और जगह पहुंचना है, तो आप सबसे माफी चाहती हूँ। मैं आपकी आज्ञा चाहूंगी आगे के कार्यक्रम में पहुंचने के लिए। बहुत बहुत आभार, जय हिंद।